अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं ब्लड फिजियोलॉजी की। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू ब्लड। इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वाइपर एक्सपेरिमेंट। ओरिएंटेशन की बात करें तो ब्लड एंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, और ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, प्लाज्मा फेसिस एंड वाइपर एक्सपेरिमेंट। और बात करते हैं ब्लड के फंक्शन की। ब्लड के फंक्शन की बात करते हैं, इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। दूसरा फंक्शन इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ बाई वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम टिश्यूज़। तीसरा इसका जो फंक्शन है वो है पीएच को मेंटेन करता है ये, और थर्मल इक्विलिब्रियम को ये भी मेंटेन करता है। इम्यूनिटी इसका मेन फंक्शन है और क्लॉटिंग इसका मेन फंक्शन है। आगे बात करते हैं ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ब्लड के चार मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। आरबीसीज का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसीज का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। और हमारी बॉडी में 55% प्लाज्मा आता है। ठीक है, और आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, और डब्ल्यूबीसीज के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है ये ब्लीडिंग को स्टॉप करता है और खून को जमाता है, ब्लड कॉगुलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आता है, रेड कलर ऑफ ब्लड इज़ ड्यू टू, कि जो हमारी बॉडी में रेड कलर है ब्लड का वो क्यों है, किसकी वजह से है? वो है ऑक्सीजनेटेड आरबीसीज। इसका जो आंसर है वो ऑक्सीजनेटेड आरबीसीज है। ठीक है, आगे जाते हैं। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा? सीरम बचेगा। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें पीछे सीरम बचेगा। ठीक है, प्लाज्मा का जो कलर है ना वो लाइट येलो कलर होता है प्लाज्मा का। और प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? प्लाज्मा प्रोटीन होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, लिपर्स, विटामिन, शुगर्स, हारमोन, एंजाइम वगैरह होते हैं। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा फेसिस की। प्लाज्मा इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लाज्मा कैन बी रिमूव फ्राम द ब्लड विदाउट रिमूविंग आरबीसीज। इसका मतलब ये है कि हमने प्लाज्मा को ब्लड में से निकालना है आरबीसीज को डिस्टर्ब किए बगैर। आरबीसीज को कुछ नहीं होना चाहिए, वो ब्लड में से हमने प्लाज्मा को निकालना है। इस पास को कहेंगे प्लाज्मा फेसिस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वाइपल एक्सपेरिमेंट की। स्टैंडर्ड प्लाज्मा डिप्लीटेड डॉग प्रोटीन रिजर्व एग्जॉस्ट एंड रेट ऑफ रिजर्नेशंस, ये ऑब्जेक्टिव है वाइपर एक्सपेरिमेंट। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है गाइटन हॉल में, और एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता कि वो पूछ सकता है, पर हमें ये तो सारा करना पड़ेगा ना। ये भी एक दफ़ा देख लेना आप वाइपर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बहुत कम पूछते हैं। आगे है प्रोटीन लेवल। नॉर्मल प्रोटीन लेवल होता है जो हमारी बॉडी में, वो 6.5 to 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर। जो नॉर्मल का प्रोटीन लेवल है, जो नॉर्मल प्रोटीन लेवल है ठीक है हमारे बॉडी में, वो 6.5 to 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो अगर प्रोटीन का लेवल 4 to 5 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो क्या होगा? हेमरेज होगा। हेमरेज होगा तो क्या होगा? प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा, या बर्निंग सेंसेशन होगी उसमें भी प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम हो जाएगा। कंक्लूजन की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो मेन कंक्लूजन है वो क्या है? लिबाइल रिजर्व प्रोटीन। लिबाइल रिजर्व प्रोटीन, ठीक हो गया, तो इसका मेन फंक्शन है। आगे हम बात करते हैं, अगर 4 ग्राम पर डेसीलीटर हो नॉर्मल प्रोटीन का लेवल 4 ग्राम पर डेसीलीटर हो तो क्या होगा? स्टारवेशन होगी, माल न्यूट्रिशन होगी, बंदा कुछ खाएगा ही नहीं। ठीक है, तो लेस देन 2 ग्राम पर डेसीलीटर प्रोटीन, सही है। तो आगे एग्जॉस्ट ऑफ प्रोटीन अकर, डिस्पेंसिबल रिजर्व प्रोटीन कहाँ से आ रहे हैं? ये स्केलेटल मसल से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रोटीन शॉक एंड एनिमल शॉक, फिक्स सेल प्रोटीन, इनडिपेंसिबल प्रोटीन, इसेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। आगे हम बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की। प्लाज्मा प्रोटीन एंड फंक्शन, स्टार्लिंग फोर्स, ये सारा कुछ। आगे प्लाज्मा प्रोटीन कितने
तीन तरह की होती हैं हमारी बॉडी में। प्लाज्मा प्रोटीन तीन तरह की होती हैं, अल्ब्यूमन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन दो तरह की होती हैं, एक 80% होता है, एक 20% होता है। ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट फाइब्रिनोजन। आगे हम बात करते हैं नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कितना होता है हमारी बॉडी में। 6.5 ग्राम, 6.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप याद कर लो। 6.5 ग्राम टू 8.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ये आपसे पूछ सकते हैं। आगे हम बात, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि अल्ब्यूमन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन 80% होते हैं हमारे बॉडी में। तो ये तीनों कहाँ पर बनते हैं, ये लीवर में बनते हैं। ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अल्ब्यूमन की, ठीक है। COP, बफरिंग कैरियर प्रोटीन, ग्लोबुलिन अम्यून रोल एंड एंजाइमेटिक फंक्शन, ट्रांसपोर्ट फंक्शन, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन। और प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये आर्टरी है, ठीक है। ये जो है ये आर्टरी है, ये वेन है, और ये जो दरमियान में ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। यहाँ से ब्लड आएगा, कैपिलरी में से जाएगा, तो फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। फिर बात करते हैं, बहुत सारा फ्लूइड लॉस हो जाएगा कैपिलरीज में। अगर इस कैपिलरीज में फ्लूइड लॉस हो जाएगा तो फिर क्या होगा, अडीमा होगा। अडीमा यानी स्किन की स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देता, अपनी तरफ खींच के रखता है। तो इस चीज़ को हम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 28 मिलीमीटर मरकरी। प्लाज्मा प्रोटीन होता है 19 मिलीमीटर प्लस 9 मिलीमीटर मरकरी बाउंड आयंस, ठीक है। मेजर प्लाज्मा प्रोटीन कितने हैं, अल्ब्यूमन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन है, ठीक है। अल्ब्यूमन 4.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, ग्लोबुलिन 2.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फाइब्रिनोजन 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। इनके आगे ये वैल्यू है, इन इन वैल्यू को सम करेंगे तो टोटल जो सम होगा वो 28 मिलीमीटर मरकरी आ जाएगा, ठीक है। COP, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, पूरी बॉडी में 12 लीटर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन होता है ग्राम पर डेसीलीटर 20 मिलीमीटर मरकरी प्लस 8 मिलीमीटर मरकरी। प्लाज्मा प्रोटीन होती है 20 मिलीमीटर मरकरी, और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ये 8 मिलीमीटर मरकरी होता है। आगे हम बात करते हैं स्टार्लिंग फोर्स की। ये भी स्टार्लिंग फोर्स भी चार तरह की होती हैं, ठीक है। स्टार्लिंग फोर्स भी चार तरह की होती हैं, ये आर्टरीज है, ये आर्टरीज हैं, ठीक है। तो ये वेन्स हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये स्टार्लिंग फोर्स के अंदर जो कैपिलरीज का प्रेशर होगा 30 होगा, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर होगा -3। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्रोटीन 28, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड 8 होगा। इन सब को सम करेंगे तो नेट के आएगा 13 मिलीमीटर मरकरी। ये आर्टरीज का बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले जो ब्लड जो होगा ना, वो ब्लड फिल्टर होगा कहाँ पे होगा, ठीक है। जो ब्लड फिल्टर होगा वो 13 मिलीमीटर मरकरी फिल्टर होगा कैपिलरी से, ठीक है। कैपिलरी से फ्लूइड 13 मिलीमीटर फिल्टर हो रहा है। उसके बाद ये हम फिर ये जो है पीछे पढ़ा था हमने, ये वेन्स का, इनको सबको सम करेंगे तो ये इसका जो नट आएगा वो आ जाएगा -7 मिलीमीटर मरकरी। ये रिब्स आर होगा, पहले आर्टरी से फिल्टर हुआ था, ठीक है। तो फिर ये रिब्स आर होगा, ठीक है। जो बचा हुआ होता है वो किस फिल्ट्रेशन ऑफ कैपिलरीज के जरिए चल जाता है, लिम्फेटिक के थ्रू, ठीक। आगे हम बात करते हैं, बड़ा मेन फंक्शन है इसका, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो इसका जो फंक्शन है वो हम बात करते हैं, इसके फंक्शन है SHBG,
CBG एंड TBG, और इसका फंक्शन है एसिड बेस बैलेंस, ये pH को मेंटेन करता है। ठीक है, आगे इसका फंक्शन है इम्यून फंक्शन, इम्यून फंक्शन में इसका रोल है, और ये ब्लड कागुलेशन, खून को जमाने में इसका हेल्प होती है। ठीक है, और ये ब्लड की विस्कासिटी में मेंटेन होता है ये। और सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इसका फंक्शन है, स्टेबिलिटी भी फंक्शन है, और रिजर्वायर फंक्शन है। बस आज का ये टॉपिक था, तो ये तो अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे गया और ब्लड फिजियोलॉजी के हवाले से। आगे हम करेंगे RBCs करेंगे, WBCs करेंगे, प्लेटलेट्स करेंगे, क्योंकि RBC थोड़ा सा बड़ा है, वो बड़ी थोड़ी लेंथी हो सकती है, 10 या 15 मिनट से सिर्फ ज़्यादा हो सकती है, तो WBCs की थोड़ा छोटा ही है और प्लेटलेट्स भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ये ब्लड फिजियोलॉजी ने 3-4 दिन के अंदर कवर हो जाएगी आपकी सारी। तो ये इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।